हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे टीएफ ग्रेवाल क्लास 11th के अकाउंटेंसी का चैप्टर 15, जिसका नाम है डेप्रिसिएशन के प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सोल्यूशन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या कह रहा है, फ्रॉम द फ्लोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ अ कंसर्न प्रिपेयर अ मशीनरी अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। यहाँ पे हमें कुछ ट्रांजेक्शन गिवन है कि 1 अप्रैल 2021 को एक परचेज की गई है सेकेंड हैंड मशीनरी जिसकी कॉस्ट है 40,000 रुपीज, और उसके बाद सेम ही डेट पे हमें बता रखा है कि उस मशीनरी पे 10,000 रुपीज खर्च किए गए हैं उसके रिपेयरिंग पे। 30 सितंबर 2021 को एक और एडिशनल न्यू मशीनरी परचेज की गई है 20,000 की, और 31 दिसंबर 2021 को उसके रिपेयर पे खर्च किए गए हैं 3,000 रुपीज। 31 मार्च 2022 का डेप्रिसिएशन आपको बता रखा है कि जो डेप्रिसिएशन पर एनम लगा है वो 10% पर एनम है। इस क्वेश्चन में समझने वाली बात क्या है वो समझिएगा आप। इसमें बनाना तो आपको मशीनरी अकाउंट है ये तो हमें पता चल गया, डेप्रिसिएशन भी पता चल गया 10% है। अब देखिए यहाँ पे बात जो समझने की है वो ये है कि 1 अप्रैल 2021 को जो एक सेकंड हैंड मशीनरी परचेज की गई थी 40,000 रुपीज की, उससे नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में ही सेम डेट पर ही 10,000 रुपये क्या करे गए उसके उसके रिपेयर पे खर्च किए गए। तो ये 40,000 + 10,000 50,000 रुपीज होगा। तो 50,000 रुपीज की फर्स्ट मशीनरी की आप वैल्यू मानेंगे जो 50,000 रुपीज की हमें पड़ी है, बिजनेस ने परचेज करी है। और दूसरी चीज आप ये समझिए कि जो 30 सितंबर को सेकंड मशीनरी परचेज की गई है 20,000 रुपीज की, अब इसमें यहाँ पे डिफरेंस समझिएगा। यहाँ पे 31 दिसंबर को बताया गया है कि उसके रिपेयर पे 3,000 रुपीज खर्च किए गए, तो यहाँ पे जो सेकंड मशीनरी पे आपको 31 दिसंबर में ये बता रखा है कि 3,000 रुपीज खर्च किए गए उसके रिपेयर पे, इसको आप इसकी वैल्यू में इंक्लूड नहीं करेंगे। हाँ, अगर ये 30 सितंबर ही लिखा होता ना, जैसे देखिए यहाँ पे 1 अप्रैल लिखा है तो रिपेयर पे भी 1 अप्रैल लिखा है। अगर यहाँ पे 30 सितंबर लिखा है तो यहाँ पे भी अगर 30 सितंबर ही लिखा होता रिपेयर वाली ट्रांजेक्शन में, तो यहाँ पे मैं बिल्कुल 20,000 में 3,000 इंक्लूड करता। बट यहाँ पे ये बात समझनी है आपको, ये समझनी है कि बिजनेस में सेकंड मशीनरी ऑलरेडी यूज में थी, उसके बाद जाके कई 2 महीने बाद फिर कुछ रिपेयर हुआ है, तो इस ट्रांजेक्शन को आप उसके अमाउंट में इंक्लूड नहीं करेंगे। आई होप कि जो बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो आपको क्लियर हुई होगी। अब हम करेंगे अपने मशीनरी अकाउंट को प्रिपेयर करेंगे, तो सबसे पहले हम डेट मेंशन करेंगे 2021 1 अप्रैल को एक मशीनरी परचेज की गई है, तो टू बैंक अकाउंट लिख के आप, मैंने यहाँ पे 1st मेंशन किया है जो कि स्टैंड करेगा 1st मशीनरी के लिए, 40,000 + 10,000 करेंगे तो 50,000 रुपीज का अमाउंट आपको 1st मशीनरी में लिखना है। अब सेम हमें बता रखे कि 30 सितंबर 2021 में ही एक और मशीनरी परचेज की गई है, तो डेट मेंशन कीजिएगा 30 सितंबर, यहाँ मेंशन कीजिए टू बैंक अकाउंट सेकंड मशीनरी की, सेकंड मशीनरी है इसलिए मैंने यहाँ पे सेकंड मेंशन किया है। कितने की है सेकंड मशीनरी, 20,000 की है, इसलिए 20,000 रुपीज को आप अमाउंट के कॉलम में मेंशन कीजिए। आप देखिए आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, तो 2022 31 मार्च मेंशन कीजिएगा, यहाँ पे लिखिएगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो पहली मशीनरी जो थी 50,000 रुपीज की थी जिसको 1 अप्रैल में परचेज किया गया था, और 31 मार्च तक पूरा साल होता है, तो पहली मशीनरी पर जो डेप्रिसिएशन होगा वो 10% आप कैलकुलेट करेंगे 50,000 का, तो 5,000 ही आएगा। पर सेकंड मशीनरी जो है ना वो 20,000 की थी, पर याद रखिएगा कि वो 30 सितंबर को परचेज की गई है, तो 30 सितंबर से 31 मार्च तक कितने मंथ होते हैं, 6 मंथ होते हैं, तो 6 मंथ पे आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। तो 20,000 और 10% करेंगे तो ये आपका होगा 2,000 रुपीज, और 6 मंथ पे तो 6 upon 12 करेंगे तो 1,000 रुपीज का आपको डेप्रिसिएशन आएगा सेकंड मशीनरी पे। तो यहाँ पे आप मैंने मेंशन कर दिया है फॉर 6 मंथ का डेप्रिसिएशन है 1,000 रुपीज, प्लस करके अमाउंट के कॉलम में 6,000 आ जाएगा। उसके बाद 31 मार्च लिखेगा बाय बैलेंस कैरी डाउन, तो 5,000 को जब आप 50,000 में से माइनस करेंगे तो 45,000 आएगा, और 1,000 को आप 20,000 में से माइनस करेंगे तो 19,000 आएगा। यहाँ पे प्लस करके अमाउंट के कॉलम में आ जाएगा 64,000। तो यहाँ पे हमारी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों इक्वल आ जाएगी, 70,000 डेबिट साइड आ जाएगा, 70,000 क्रेडिट साइड आ जाएगा। और हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया क्योंकि क्वेश्चन में हमें ये बता रखा है कि मशीनरी अकाउंट आपको बनाना है 31 मार्च 2022 के लिए, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है। तो आज के लिए इतना ही, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।